दोस्तों, आज के समय में ऐसा लग रहा है कि इस देश में हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अभी रिसेंटली जैसे केस हुआ निकिता तोमर का, फरीदाबाद में उसको दिन दहाड़े गोली मारी गई, उससे पहले भी उसको परेशान किया गया। और ये आए दिन हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है कि कहीं देश के किसी पार्ट में कहाँ छेड़खानी हो रही है, किस बहन के साथ, किस बेटी के साथ या किसी महिला के साथ। तो मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी ये चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला सुरक्षा के बारे में और निकिता तोमर के केस के बारे में। दोस्तों, निकिता तोमर एक बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। बल्लभगढ़ में वो एग्ज़ाम देके अपने घर जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ। वहाँ पे एक बदमाश आया अपने दोस्त के साथ, उसने गाड़ी लगाई। निकिता तोमर ऑटो का वेट कर रही थी, उस बदमाश ने उसको गाड़ी में खींच के बिठाने की कोशिश की। अगर वो लड़की उस गाड़ी में बैठ जाती तो ठीक था, उसने उसको ऑब्जेक्ट किया, उसको वहाँ सबके सामने उसने गोली मार दी। एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि उसने बिल्कुल बंदूक को माथे पे लगा के गोली मारी, जिसको कहते हैं पॉइंट जीरो पॉइंट पे उसको गोली मारी है। अब इस वीडियो से हमें क्या सबक मिलता है कि हमारे देश में हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि अपराधियों में बिल्कुल भी डर नहीं है, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो यूपी के बलरामपुर का केस हो या ये निकिता तोमर का केस हो। ये जो जिस लड़के ने गोली मारी है निकिता तोमर को, तौसीफ नाम है इसका, इसने इसको गोली इसलिए मारी है क्योंकि पिछले कई सालों से वो इसको परेशान कर रहा था, इसके साथ शादी करना चाहता था और प्रेशर बनाता था कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लो और निकाह कर लो। और इसके एक अंकल पॉलिटिक्स में भी हैं, तो एक रसूखदार फैमिली से बिलोंग करता है। इसके साथ जो लड़का इस वीडियो में नज़र आ रहा है उसका नाम रेहान है। आज की डेट में दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, कस्टडी में हैं। देख के इतना दुख होता है कि बिल्कुल भी डर नहीं है लोगों में, किसी को भी कहीं पे भी छेड़ सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं। अब निकिता तोमर जो इसको कई सालों से परेशान कर रहे थे, उसने ऑब्जेक्शन किया, दो साल पहले भी पुलिस केस कराया गया, लेकिन इसके पिताजी मूलचंद तोमर का कहना है कि हमने वो केस वापस लिया और वही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने वहाँ सेटलमेंट कर ली। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? अगर कोई बहन बेटी या कोई महिला को परेशानी होती है, छेड़खानी होती है या उसको कोई परेशान कर रहा है, तो उसको वो इग्नोर ना करे, सहे नहीं, वहाँ पे ऑब्जेक्शन करे, कंप्लेंट फाइल करे। और कंप्लेंट अगर फाइल कर दी है तो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये जो मनचले होते हैं, इनको क्या लगता है कि आप कुछ भी करो लास्ट में तो कॉम्प्रोमाइज़ होना ही है, कुछ नहीं होना। और ये अपने मन की बात भी कर जाते हैं जो इनको छेड़खानी करनी होती है या जो गलत व्यवहार इनको महिलाओं के साथ करना होता है। तो दो साल पहले इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके बाद फिर ये लगातार प्रेशर बनाता रहा निकिता पे। निकिता ने जब मना किया तो उसके साथ इन्होंने ये हरकत की। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इस देश में सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसी सोसाइटी का क्या फ़ायदा है? हमें एज अ पेरेंट हमें ये खुद सोचना चाहिए कि हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको कैसे संस्कार दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको डेवलप करिए, उसके एथिक्स को डेवलप करिए, उसको एथिकल चीज़ें बताइए, उसके संस्कार को डेवलप करिए। आपको लगता है कि आपका बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ गलत हरकतें कर रहा है, तो उसको काउंसलिंग करिए, उसको समझाइए, उसको समझिए। अगर आपका बच्चा कुछ गलत काम करेगा या हमारा बच्चा कुछ गलत काम करेगा, अल्टीमेटली वो हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऑब्जर्व करें, बच्चों पे निगरानी रखें। ये भी नहीं कि आप पूरा उनको स्ट्रिक्ट कर दीजिए, उनको छूट दीजिए, लेकिन संस्कार उनमें होने चाहिए। उनको एटलीस्ट दूसरे की रिस्पेक्ट पता होनी चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट करनी है किसकी नहीं। आपको लगता है ये बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, मेंटल काउंसलिंग कराइए उसको, आप खुद समझाइए, ऑब्जर्वेशन उस पर रखिए कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। बात आती है कि आज की जो यंग जनरेशन है, जैसे इसी में तौसीफ को हम देख लेते हैं, या धर्म की बात हम नहीं करेंगे, बातें तो ये भी उठ रही है कि लव जिहाद का मैटर है और पॉलिटिकल मैटर भी है एक तरीके से ही, हम धर्म पे नहीं जाएंगे, लेकिन तौसीफ इतना इम्पेशेंट क्यों हुआ, उसने गोली क्यों मारी? अगर किसी लड़की ने मना कर दिया कि भाई मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, तो क्या आप उसको गोली मार देंगे? यानी आप अपना रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इतनी सनकपन है आप में कि आप किसी भी हद पर जा सकते हैं। आखिर तौसीफ को उसको गोली मार के क्या मिला? फांसी की सज़ा होगी उसको, 302 का केस लगेगा उस पर, मर्डर का केस लगेगा, और साथ में जो रेहान लड़का था वो भी साथ में जाएगा।
दूसरा इन लोगों पे देसी कट्टा पाया गया, मतलब गैर कानूनी तरीके से इन लोगों के पास बंदूक पाई गई। तो कितने इन लोगों पे केसेस लगेंगे, ये लोग अब बरी नहीं होंगे और अच्छे से इनकी कुटाई करेगी पुलिस और जो भी प्रोसीजर होता है लॉ का वो फॉलो करेंगे। यंग जनरेशन को यहाँ पे ये समझना है कि भाई आप अपने आप को इम्प्रूव करो, और अगर आपकी रिजेक्शन हो रही है, अगर सामने वाला आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, चाहे रिलेशन में हो, रिलेशन तो इस वीडियो के संदर्भ में या रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, या आप कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं तो यार एक्सेप्ट करो कि हम में कुछ कमी है या उस चीज़ के लिए हम फिट नहीं है या सामने वाले की सोच अलग है। आप उसको दिमाग में लेके बैठ जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे या ऐसे गलत काम आप कर देंगे जैसे तौसीफ ने किया, गोली मार दी। और तौसीफ ही क्या, आए दिन सुनने को मिलता है। अब जैसे हम तेलंगाना वाला जो केस हुआ था जिसमें लेडी को जिंदा जला दिया था, गलत काम भी किया और उस क्राइम को छुपाने के लिए उन्होंने कितने गंदे तरीके से उस लेडी को जिंदा जला दिया, तो वो भी एक एग्ज़ाम्पल है हमारी सोसाइटी में कि लोग किस हद तक गिर जाते हैं। चाहे वो निर्भया का केस आप देखिए, तो बच्चों की बात वही है कि यंग जनरेशन खुद समझे कि क्या गलत है और क्या सही है। दूसरा, जो मैंने पेरेंट्स की बात की थी अभी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि एथिकली बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाइए, अगर आपको लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में, उनको काउंसलिंग दीजिए या मेंटल हेल्थ उनकी आपको लग रही है, ये एक मेंटल हेल्थ का पार्ट हो जाता है अगर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, क्रिमिनल माइंडेड हो रहा है, तो उसको एक अच्छे डॉक्टर से मिलवाइए और उनको अच्छी काउंसलिंग दिलाइए। और हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में और इतना एरिया कवर करता है इंडिया, डेली हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है और वो केस सुनने को मिलते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। कई केस तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, ईव टीजिंग हो जाती है, महिलाओं को वर्क प्लेस पे छेड़खानी बर्दाश्त करनी पड़ती है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं उनको छेड़खानी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जो बच्चियां कॉलेज जा रही हैं, जो महिलाएं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर निकलती हैं, उनको ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, चाहे इस चीज़ को कोई माने ना माने, ये डेली का पार्ट हो गया उनकी लाइफ का। तो महिलाओं को इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए और कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई एक्शन ले लिया है तो उससे पीछे नहीं हटना है आपको। दूसरा, गवर्नमेंट को एक स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए, जो ऐसे केसों को एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। हमारे यहाँ का जुडिशरी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि जुडिशरी सिस्टम में बहुत टाइम लगता है। आप एक कोर्ट में केस फाइल करेंगे, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे मर्डर के केस में आपको फांसी होती है तो आप राष्ट्रपति के पास जाएंगे, वहाँ पे आप मर्सी पिटीशन लगा सकते हैं। तो ये जो लचर रवैया है हमारे जुडिशरी सिस्टम का, वो इन चीज़ों में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कई जगह पे स्पीडी ट्रायल होता है ऐसे क्राइम्स का, तो गवर्नमेंट को इसके लिए अलग कोर्ट्स बनानी चाहिए, एक अलग सिस्टम डेवलप करना चाहिए। कम से कम महिलाएं सेफ रहें हमारे देश में। महिलाएं अगर सेफ नहीं है तो सोसाइटी कभी ग्रो नहीं कर सकती। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर महिला को पूजा जाता है। अभी तो नवरात्रे निकले हैं यार, और नवरात्रों के बाद ही ये काम हो गया, बताइए। यहाँ पर महिला को 9 रूपों में पूजा जाता है नवरात्रों में। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सबकी भावनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई होती है। चाहे मुस्लिम धर्म का भी बंदा हो तो अपने घर में अपनी माँ की इज्जत करेगा, अपनी बहन की इज्जत करेगा, या चाहे हिंदू धर्म का बंदा हो तो करेगा। बाहर जाके गलत काम क्यों होता है? क्योंकि उसमें डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर इतना लचर है हमारा। तो हरियाणा में अभी जैसा हुआ है, 302 का केस तो इन पर फाइल हो गया, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। लोग तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि भाई इनको खुलेआम गोली मार दो, लेकिन वो हम नहीं कर सकते, उससे अराजकता फैलेगी। कल को जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको खुले में गोली मारो, तो हर कोई क्राइम करेगा, पता चला उन्हीं को कोई गोली मार रहा है। तो ऐसा तो नहीं करना, हमें सिस्टम रखना पड़ेगा, एक जुडिशियल सिस्टम रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। स्पीडी ट्रायल ऐसे जो हीनियस क्राइम होते हैं, इसको हीनियस क्राइम बोला जाता है कि आप किसी महिला के साथ गलत काम कर रहे हैं और फिर उसको मार भी रहे हैं मर्डर के केस में, तो एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं या जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे, घर में एक अच्छा माहौल डेवलप करेंगे, बच्चों पे ध्यान देंगे, और जो यंग जनरेशन है वो चीज़ को समझेगी कि भाई ऐसे क्राइम नहीं करने हैं, सबकी अपनी लाइफ होती है और हमें ये गलत काम नहीं करना है। और जुडिशरी सिस्टम हमारा स्ट्रांग होगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।